नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। हिंदू त्योहारों में दिवाली का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और उन्हें अपने घर पे स्थापित होने का आह्वान करते हैं। हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव के लिए हमारे घर पर आए और स्थायी रूप से हमारे घर पे रह जाएं। दिवाली के दिन हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले या इनमें से कोई चीज़ दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका आने वाला पूरा अगला साल बहुत ही शुभ जाएगा। रुपए पैसे की तंगी कभी नहीं होगी और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ऐसे तो रोज ही हमें दीवार पे छिपकली रेंगती हुई नजर आ जाती है, लेकिन अगर आपको दिवाली के दिन कहीं पर भी छिपकली नजर आए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दिवाली के दिन आपको छिपकली नजर आए तो इसे आप माँ लक्ष्मी का संकेत मानिए और ये मानिए कि आपको आने वाले अगले पूरे साल पैसे रुपए की समस्या बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर आपको दिवाली के दिन कहीं पर भी छिपकली नजर आए तो आपको करना क्या है कि आपको तुरंत अपने मंदिर में से कुमकुम और चावल ले लेना है और दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव के लिए रहे। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और सुख समृद्धि पैसों की कमी कभी भी नहीं होती। वैसे तो लोग छछुंदर से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, लोगों को परेशानी होती है कि उनके घर में छछुंदर आ जाती है, लेकिन दिवाली की रात को छछुंदर का दिखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का संकेत है कि आपको आने वाले पूरे साल किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ेगा और आपके घर में सुख शांति की कमी नहीं होगी। तो अगर आपको दिवाली की कहीं पर भी छछुंदर नजर आए तो दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दीजिए और उनके स्वागत की तैयारी जरूर करिए। नवरात्रि के साथ साथ दिवाली के दिन या दिवाली की रात उल्लू का दिखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। वैसे तो उल्लू का कभी भी दिखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको दिवाली की रात उल्लू दिख जाए तो कहना ही क्या, आपको किसी भी तरह का आर्थिक संकट पूरे आने वाले साल नहीं होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी। हिंदू धर्म में बिल्लियों को भी बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर दिवाली की रात आपके घर में बिल्ली आती है या दिवाली की रात आपके घर में आकर बिल्ली दूध पी लेती है तो इससे ज्यादा शुभ कुछ भी नहीं हो सकता। ये माँ लक्ष्मी का महासंकेत है कि वो आने वाले पूरे साल आपके घर पे सुख शांति समृद्धि बनाए रखेंगी, आपके घर में आर्थिक तंगी पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी और आपका घर लक्ष्मी माँ की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से सदैव के लिए बना रहेगा। तो अगर दिवाली की रात आपके घर में बिल्ली आती है तो उसे बिल्कुल भी ना भगाएं, उसे बिल्कुल भी ना मारें, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर शाम के वक्त किसी भी दिन आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाती है या गाय दिखाई देती है संध्या लगने के बाद तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और दिवाली के दिन दिवाली की पूजा करते हुए अगर आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाए या गाय दिख जाए तो इससे बड़ा अच्छा शगुन कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपको बता रही है कि वो आपके घर पे विराजेंगी और आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और उस पे भी अगर आपको दिवाली के दिन या दिवाली की शाम को केसरिया रंग की गाय दिखाई दे जाती है तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। केसरिया रंग जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। केसरिया रंग की गाय को स्वयं भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आपको दिवाली के दिन या उससे एक आध दिन पहले केसरिया रंग की गाय दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजेंगी और आपको किसी भी कि कोई कमी कभी भी नहीं होगी। तो अगर आपको दिवाली के दिन या दिवाली के एक आध दिन पहले गाय दिखाई दे या गाय की आवाज सुनाई दे तो दोनों हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करिए माँ लक्ष्मी से कि वो आपके घर पर आए, उनका धन्यवाद दीजिए और सदैव के लिए स्थायी रूप से आपके घर में रह जाएं, ऐसी प्रार्थना जरूर करिए। तो ये हैं कुछ शुभ संकेत, कुछ शुभ चीजें जो आपको दिवाली के दिन या दिवाली से एक आध दिन पहले दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का धन्यवाद जरूर दीजिए और उनके आने की
स्वागत की तैयारी जरूर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।